गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में पढ़ेंगे हम भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो सबसे पहले हम भाषा पढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। जैसे जानवर जंगलों में रहते हैं, अकेले भी विचरण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की आवश्यकता होती है, और समाज में रहते हुए वह अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने में सक्षम रहता है। तो मनुष्य जिन भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वही भाषा कहलाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा बनी किससे है। भाषा संस्कृत के भास धातु से बनी है, और भास धातु से ही भाषा का निर्माण हुआ है। भाषा का प्रयोग क्यों हम करते हैं, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों है, ये सभी बातें हम इस पाठ में जानेंगे। तो हमारे मन में कई विचार आते हैं, और इन विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे वह भाषा हम लिखकर, बोलकर, सुनकर और पढ़कर कोई भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक माँ से बातें कर रही हैं, तो वह कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि बच्ची लिखकर कुछ बता रही है, तो यहाँ क्या होगा? लिखना और पढ़ना, तो यह क्या? लिखित भाषा। चित्र नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि पिताजी टेबल पर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, तो वह पढ़कर विचारों को जान पा रहे हैं। उस अखबार में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को पढ़कर जान पा रहे हैं, तो यह कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। तो पढ़ना और लिखना लिखित भाषा, बोलना और सुनना ये क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। आइए हम भाषा की परिभाषा देख लें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। चार चीज़ें हैं इसमें, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो ये हो गई भाषा। अब भाषा के रूप हम देखते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। कितने हैं? दो, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा। आपने अपने स्कूल में सुना होगा, आज हमारा ओरल टेस्ट है। ओरल मतलब मुख से बोलकर आपको बताना है, न कि लिखकर बताना है। तो वही हुई, मुंह से जिन भाषा को हम बोलेंगे वो क्या हो गई? मौखिक भाषा। अगर हम बोलकर अपने मन के भावों को बताते हैं तो वह मौखिक भाषा, और अगर लिखकर बताते हैं तो लिखित भाषा होती है। आइए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम यहाँ समझेंगे। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप है जिसमें हम बोलकर मन के भाव व विचार प्रकट करते हैं, और अगला सुनकर उन भावों और विचारों को समझता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे आप टीवी में न्यूज़ सुनते हैं, गाना सुनते हैं, ये कहानी सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें भाषा के मौखिक रूप में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हम उसे सुनकर समझ रहे हैं और अगला बोलकर बता रहा है। या फिर कक्षा में अगर टीचर आपसे प्रश्न पूछते हैं और आप उसका आंसर बोल कर देते हैं, तो यह कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। इसके जस्ट विपरीत क्या होगा? अगर आप को टीचर क्या बोलते हैं, लिख कर प्रश्न पूछते हैं और आप उन्हें लिख कर बताते हैं, तो यह क्या हो गई भाषा? लिखित भाषा हो गई। आइए हम भाषा का अगला रूप देखते हैं, लिखित भाषा अर्थात क्या है? रिटन लैंग्वेज। यह भाषा का वह रूप है जिसके मन के भाव व विचार लिख कर प्रकट किए जाते हैं, और अगला उसे
पढ़कर समझता है, जैसे कि कहानी की पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना इत्यादि। या फिर आप कहीं जाते होंगे, दीवारों पे विज्ञापन लिखे होते हैं या फिर बड़े बड़े होल्डिंग्स टंगे होते हैं, तो वो कौन सा हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? भाषा का मौखिक रूप और लिखित रूप। तो आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, जैसे रेडियो पर समाचार सुनना यह मौखिक रूप, और समाचार पत्र पढ़ना ये लिखित रूप हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक और भाषा जो कि अस्तित्व में अभी नहीं है, वो क्या है? सांकेतिक भाषा। आदिकाल में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिससे हम अपने विचारों का आदान संकेत के द्वारा बताते थे। अब इसे ज़्यादा शुद्ध इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम संकेत के द्वारा किसी को बताते हैं अपने विचारों को, तो उसे समझने में कठिनाई होती है, या दूर कहीं व्यक्ति है तो उसे हम आसानी से नहीं समझा सकते। आगे हम देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा के यहाँ कई प्रकार हैं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक सबसे पहले अपने माता पिता व परिवार से सीखता है। किससे सीखता है? माता पिता व परिवार से। गुजराती परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती होगी। और बंगाली परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा क्या होगी? बंगाली। अगर आप अपने आसपास से हिंदी भाषा सीखते हैं, तो वो आपकी मातृभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। तो जो हम अपने माता पिता, परिवार, आस पड़ोस से सीखते हैं, वो क्या हो गई? मातृभाषा। ठीक है, तो मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे बालक सबसे पहले अपने माता पिता व परिवार से सीखता है। अपने माता पिता व परिवार से जिस भाषा को हम सीखते हैं, वह होती है मातृभाषा। तो आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपकी मातृभाषा क्या है। वैसे हम सबकी मातृभाषा हम बोलते हैं कि हिंदी ही है। प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। अब प्रदेश में बोलने वाली भाषा, प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा। जैसे कि बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये सब भाषाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं, तो वो क्या हो गई? प्रादेशिक भाषा। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषा होती है। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज। तो राष्ट्र मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम किस राष्ट्र में रहते हैं? भारत। ठीक है, हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो जिस किसी राष्ट्र में उस वहाँ के लोगों के द्वारा सबसे अधिक जो भाषा बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र में वहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वह हमारी भाषा क्या हो गई? राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। परंतु भारतीय संविधान की दृष्टि से यह हमारी राजभाषा है। राजभाषा क्या होती है? अब हम थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं। राजभाषा क्या होती है? जिसे हम अपने दफ्तर, कार्यालय, व्यापार विशेष में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे अनेक देशों के द्वारा अभी कौन सी भाषा अपनाई जाती है? कई देशों में अंग्रेजी जो माध्यम है उसके द्वारा ही वार्तालाप किया जाता है, या फिर लिखित रूप में जो संदेश भेजे जाते हैं वह अंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। तो अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा भाषा, भाषा के प्रकार, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आगे हम मिलेंगे बोली। बोली में हम देखते हैं कि आखिर बोली होती क्या है और बोली और भाषा में अंतर क्या है। तब तक के लिए आप इसी पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें।